पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली के श्रद्धालुओं ने स्वागत मंदिर न्यास द्वारा संचालित सदाव्रत लंगर श्री नैना देवी शक्तिपीठ पर आज से शुरू हो गया है। कोविड-19 महामारी के चलते माता जी का लंगर बंद हो गया था, लेकिन जिससे हिमाचल प्रदेश के दिशा निर्देशों से और जिला प्रशासन के निर्देशानुसार फिर से चालू कर दिया गया है। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से आए श्रद्धालुओं ने जहां पर माता जी का भंडारा ग्रहण किया, वहीं पर उन्होंने लंगर सेवा शुरू होने का जमकर स्वागत भी किया। माता की सदाव्रत लंगर में 3 समय का भोजन, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि भोजन श्रद्धालुओं को परोसा जाता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन माता के सदाव्रत लंगर में भोजन ग्रहण करते हैं। आज हिमाचल प्रदेश सरकार एवं जिला बिलासपुर आयुक्त उपायुक्त महोदय जी एवं अध्यक्ष मंदिर न्यास SDM स्वारघाट जी के आदेशानुसार दोबारा सदाबहार व्रत लंगर श्री नैना देवी जी में श्रद्धालुओं के लिए दोबारा शुरू कर दिया गया है, जिसमें कोविड-19 के ध्यान में रखते हुए साफ सफाई एवं सभी चीज़ों का साफ ध्यान रखते हुए उनको श्रद्धालुओं को साफ सुथरा लंगर मंदिर न्यास द्वारा वितरित किया। माता नैना देवी दे मंदिर आए, मत्था टेकन। कोरोना तो बाद अभी पहली बारी आए हैं। हूँ इन्हों ने भंडारा भी चालू कर दिता। भंडारा बहुत वधिया बनाया है, इन्होंने साफ सुथरा हॉल बनाया हुआ है। सानू आके इतने बड़ा आनंद आया। माता रानी इस तरह भरे भंडारे करती रहे। जय माता दी। क्योंकि असं थालियों के लंगर इस करके नहीं दे रहे क्योंकि कोविड करके, इस करके डिस्पोजल से दे रहे हैं। डिस्पोजल वरत रहे सारा, डिस्पोजल ही वरत रहे हैं सारा। एंस्टा न्यूज के लिए श्री नैना देवी से प्रदीप चंदेल की रिपोर्ट।